दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दिस कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी. सिंपल सिंपल ले लेता हूं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज. अब इस केस में आप ये देखो क्या हिस्सा बढ़ गया आपका, नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया. अब ये जो गौमुखी है, घर है या दुकान है, कुछ भी है, तो ये शुभ है. ये जो है खराब है. साउथ वेस्ट कट गया, रेस्ट कट गया. और दूसरी बात मान लीजिए इसी के अंदर हम इधर से रोड होती है, इसको छोड़ देते हैं हम, क्या रोड है या नहीं भूल जाओ, यहां से एंट्री है यही रोड. अभी क्या हो गया, शेरमुखी हो गया ना मकान, ये खराब थोड़ी हो गए, मकान तो वही रहा. हमें क्या देखना है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है. अच्छी चीज बढ़ रही है तो अच्छा है, चाहे वो किसी काम का यूज कर लो. खराब चीज हमारे को प्लानिंग करता रहेगा आदमी, नॉर्थ वेस्ट पढ़ता रहेगा. तो ये अच्छी चीज है, चाहे घर में यूज करो, चाहे इंडस्ट्री में यूज करो, दुकान में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें क्या देखना है, क्या बढ़ गया क्या घट गया. गौमुखी शेरमुखी के चक्कर में नहीं पड़ना, करेक्ट. इसमें मोहन आपने काटा है ना, साउथ वेस्ट वाला भी तो कट गया. कैसे होता है इसे, प्रोबेबिलिटी साउथ ईस्ट कट गया, साउथ वेस्ट कट गया, दोनों कट गया. तो बहुत, ओ माय डियर, एग्जांपल मैंने कहा ना, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप. साउथ वेस्ट भी कट रहा है, साउथ ईस्ट भी कट रहा है, पीछे नॉर्थ ऐसे है. अभी दोबारा ये वाला ले लो एग्जांपल, इस पे बात कर लेते हैं. क्या बात, अब इसमें दोबारा इसको एनालाइज करो. ये कंसेप्ट दिया ना आपको, हो सकते हैं तो 50 पॉसिबिलिटी हो सकती. आप ये सोचो कि ठीक ठाक क्या था, ठीक हो सकता है. इसमें क्या हुआ आपको, ये हिस्सा बढ़ गया, नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया, तो ये अच्छा हो गया. अब हम इधर आ जाए, इधर क्या हो गया, साउथ वेस्ट कट गया. ये ऐसा भी, अब ये इसमें ये वाला चीज क्या हो गई, खराब हो गई. कंसेप्ट वही है ना, एक बढ़ने से ज्यादा ये खराब हो गया, इसको हम छोड़ दें. ये रेमेडी इसमें छोड़ दो, इसको हम इससे को मान लो प्लॉट है तो इतने हिस्से में बना लो, इतने हिस्से में बना लो ना, इसको छोड़ दो. यदि हमारे पास मान लो इधर से एंट्री है, सुनो ये हमने बना लिया, देखो ये बना लिया, ये हिस्सा बना लिया, तो ये तो अच्छा हो गया. अब आप कह रहे हो कि ये इसका क्या करें, इधर मान लो रोड होती एक सेकंड के लिए, पार्क होता कुछ होता, ये उसमें छोड़ दो, भूल जाओ, कोई अच्छा नहीं. कोई मान लो में फोड़ा निकला हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसको साथ लेके चलना, हटा लो. लेकिन लेट अस अज्यूम कि दूसरे का घर है ये, और ये हमारी एक्स्ट्रा जगह है, इसको हम सोच रहे हैं क्या करें, खाली छोड़ देंगे, लोग आगे इसमें कूड़ा डालना शुरू कर देंगे. तो ये आप इधर से अलग से एंट्री करके इसमें जितनी जगह है उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो. ये हमारे मेन हिस्से कमर्शियल में आप क्या कर सकते हैं, स्टोरेज या पार्किंग, कुछ भी करो ना. मेरी सॉल्यूशन क्या है कि ये आपने अलग से यूज कर लिया मेन, एक बात खत्म होगी. अब ये दूसरी जितनी भी जगह है उसके हिसाब से इसमें स्टोरेज करो, जो मर्जी करो. ये ट्रायंगुलर इफेक्ट है, जगह अच्छी नहीं है, लिटिगेशन हो सकता है इसमें, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अच्छी जगह नहीं है. लेकिन आप खाली भी छोड़ दोगे तो ये एज इट इज रहेगी, इसका कोई नुकसान नहीं है ना आपको, खाली छोड़ दिया तो नहीं दिया. लेकिन इसके साथ यदि जोड़ दिया, इधर से जोड़ लिया, तो फिर तो प्लॉट वही बन जाएगा ना, तो खराब चीज है. पेड़ पौधे लगा दो ना यहाँ, लेकिन एंट्री इधर से होगी. मेरा कहने का मतलब बंद कर दो, जैसे कह रहे पेड़ पौधे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग से इधर से जोड़ेंगे नहीं. मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही है, एंट्री वहां से होगी या नॉर्थ वाले बीच में से होगी सर. महाराज मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर से करो, इधर से करोगे तो जुड़ जाएगा ना, फिर कंसेप्ट ही खत्म हो गया अलग करने का. इधर से करके चौखट वाला कॉन्सेप्ट लगा दें महाराज, इस प्रॉब्लम को क्या कैंसर को परमानेंट कर करना है. उसमें वन थर्ड ऊपर छोड़ देते हैं, वन थर्ड पीछे छोड़ देते हैं, बीच में कंस्ट्रक्शन हो जाती है. मान लिया पीछे कंस्ट्रक्शन के लिए चौड़ाई में वन थर्ड और कंस्ट्रक्शन कर लिया, तीन मंजिला ऊपर तो बन गया, लेकिन सिंगल स्टोरी नीचे बढ़ गया, वो विस्तार हो गया क्या? मुझे समझने में मदद कीजिए. ये हम एक प्लॉट ले लेता हूँ, आइए इसमें बताइए क्या कह रहे हैं.
ईस्ट वेस्ट कुछ लिख दो आपके डायरेक्शन ये सब था और यहाँ से ही जाके ऐसे यहाँ पे 8 फुट ऊपर मंदिर बना दिया और ये कवर ही और यहाँ पे एक किचन और बना दी और ये लॉन्ड्री बना दी मैं बोलता हूँ ये विस्तार है या ये विस्तार है प्लॉट लंबा ठीक है ओके और पहली बात क्या किचन की इधर से एंट्री है कि नहीं इसकी इधर से अब क्या है हमारे पास एक मेन ठीक है क्वेश्चन ये ओपन है इधर से ओपन है ये बीच में वॉल है हाँ ठीक है समझ लो ये हमारी मेन कंस्ट्रक्शन है ऐसा आम मिलता है कोई इस बात ये हमारी मेन कंस्ट्रक्शन है ठीक है उसके बाद ये हमने अलग क्या किया एक वेस्ट कोना ब्लॉक किया तो वेस्ट कोना भी ब्लॉक हो सकता है जैसे हमने बताया साउथ वेस्ट ब्लॉक हो सकता है तो साउथ और वेस्ट ये भी ब्लॉक हो सकता है ये वेस्ट कोना ब्लॉक हो सकता है किचन भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल यदि ये इधर से जुड़ जाती है यहाँ से कोई एंट्री होती तो ये एक्सटेंशन मानी जाती है अभी ये एक्सटेंशन नहीं मानी जाएगी ये इंडिपेंडेंट एक स्ट्रक्चर हो गया ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर हो गया अलाउड है कोई दिक्कत नहीं है इसमें लेकिन पिछले आंगन में तो बेडरूम्स के थ्रू आना अलाउड है रास्ता है सिर्फ किचन से नहीं जा सकते यहाँ पर ये मान लो आपका बेडरूम है ये तो यहाँ से तो हवा ही नेचुरल हां जी इधर से भी इधर से इसमें कोई दिक्कत नहीं ना भाई अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पर आ गया ये यदि ये जो आपने दिया ये यहाँ पर इससे नीचे आपकी बाउंड्री वॉल है बाउंड्री वॉल से दीवार से भी मिल सकता है ये पॉइंट या इवन एक पोल से भी मिला सकते हैं यहाँ पर तो यदि ये ग्राउंड से टच हो गया माना जाएगा ये जो एक्सटेंशन ऊपर है बाउंड्री वॉल इंडिपेंडेंट नीचे है करेक्ट और बीच में अगर गैप है और वो तो छज्जा है छज्जा है वो तो छज्जा हवा में जो छज्जा होता है कैंटिलीवर जिसको बोलते हैं मैं थोड़ा आगे चला गया पहले से पीछे से चला जाता हूँ तो ये हमारे को एक्सटेंशन नहीं मानी जाती और जो वास्तु तभी आएगी जबकि जमीन से टच होगा और ऊपर छत होगी कहने का मतलब है अब इसके अंदर ये एक्सटेंशन हो गई अभी आज की रेट में एक्सटेंशन होगी ये एक्सटेंशन किधर होगी ईस्ट दिशा में होगी तो ईस्ट दिशा में एक्सटेंशन अलाउड है लेकिन आप ये अज्यूम करो एक मिनट के लिए कि यदि ये साउथ दिशा होती तो ये एक्सटेंशन अलाउड नहीं थी फिर हम इसको दोष को दूर करने के लिए क्या करते ये जो वरांडा हमारा दिया हुआ है ऊपर हवा में इसको जो ये हमारी दीवार है बाउंड्री है इंडिपेंडेंट बीच में गैप है या तो हम पूरी दीवार दे देते दीवार भी ना दे तो कोने से भी इसको मिला देते तो ये हमारा क्या हो गया एक वरांडा हो गया जिसके की जमीन से टच है और ऊपर छत है तो ये सिमेट्रिकल बढ़ गया तो ये एक्सटेंशन का दोष खत्म हो गया मैं एक आपको दूसरा हाइपोथेटिकल वो दिया एग्जांपल एक बात और इसमें ये तो आपने मंदिर बना दिया कई केसेस में क्या करते हैं कि ये हम ये स्टेयर्स बनाएंगे इसे और स्टेयर्स हमारी साउथ में सिर्फ स्टेयर्स है और कुछ नहीं है ना बरामदा है कुछ है तो स्टेयर्स में यदि खुली स्टेयर्स हैं स्टेयर से आके फिर हम अपनी मेन फर्स्ट फ्लोर पे एंटर कर गए तो ये एक्सटेंशन नहीं माना जाएगा स्टेयर्स यदि कवर्ड है यहाँ पर तो ये एक्सटेंशन मानी जाएगी छत आ गई छत इज आल्सो इंपॉर्टेंट और कनेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट और यहाँ पे किचन जो है ये ठीक है हाँ किचन एक्सेप्टेबल है एक्सेप्टेबल है वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में तो बहुत अच्छी है यदि नॉर्थ वेस्ट जोन है तो बहुत अच्छी है वेस्ट है तो भी एक्सेप्टेबल है